मंडी जिला के उपमंडल सुंदरनगर की ग्राम पंचायत रोहांटा का एकमात्र विश्राम गृह वन विभाग की लचर कार्य प्रणाली का शिकार हो गया है। लगभग 27 वर्ष पहले बने इस विश्राम गृह की हालत दयनीय हो चुकी है। विश्राम गृह की दीवारों में बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई है, इस कारण यहाँ कभी भी कोई बड़ा हादसा पेश आ सकता है। विश्राम गृह की दीवारों पर नमी है और पेंट भी उखड़ चुका है। बता दें कि वन विभाग के रोहांटा विश्राम गृह में दो कमरे हैं, जिनमें एक वीआईपी और एक सामान्य कमरा है। रोहांटा से ही जिला के आराध्य देव कमरुनाग के मूल मंदिर जाने के लिए रास्ता है। वहीं जून माह में प्रत्येक वर्ष बड़ा देव कमरुनाग का सरनाहुली मेला आयोजित किया जाता है और इस मेले में देवता के दर्शन करने के लिए हजारों लोगों का हजूम उमड़ता है। लेकिन इस रेस्ट हाउस की बदहाली को देखकर लोगों में विभाग की लचर कार्य प्रणाली को लेकर रोष व्याप्त है। रोहांटा में रात्रि विश्राम के लिए इस रेस्ट हाउस के अलावा एक अन्य निजी होटल है, लेकिन श्रद्धालुओं की तादाद अधिक होने के कारण असंतोषजनक साबित हो रहा है। रेस्ट हाउस में अवस्था को लेकर पंचायत प्रधान रोहांटा प्रकाश चंद ने कहा कि रोहांटा में वन विभाग का एक रेस्ट हाउस है, जिसमें दो कमरे हैं। उन्होंने कहा कि यहां प्रत्येक वर्ष कमरुनाग मेले के प्रदेश व बाहरी क्षेत्रों से भी आते हैं। साथ ही में उनका कहना था कि इस रेस्ट हाउस की हालत खराब होने के कारण श्रद्धालुओं को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पंचायत प्रधान ने वन विभाग से इस रेस्ट हाउस में और अधिक कमरों का निर्माण व मौजूदा भवन की मरम्मत करने की मांग की है। ग्राम पंचायत रोहांडा में फॉरेस्ट का एक रेस्ट हाउस है, जिसमें कि टू रूम सेट है। हमारे यहाँ कमरुनाग मेले में लाखों श्रद्धालु जो आउट ऑफ स्टेट से भी आते हैं, उनको यहाँ ठहरने के लिए भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मेरी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर अच्छे से दो चार सेट और बनाए जाए, ताकि आउट ऑफ स्टेट से जो लोग आते हैं उनको ठहरने के लिए कोई कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। मेरी हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी से भी रिक्वेस्ट है कि यहाँ फॉरेस्ट के रेस्ट हाउस में 4-5 सेट बनाए जाए, ताकि आउट ऑफ स्टेट से जो भी लोग श्रद्धालु आते हैं उनको ठहरने के लिए किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना ना करना पड़े। धन्यवाद। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए सुंदरनगर से नितेश सैनिक रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश की हर बड़ी खबर और लाइव कवरेज जानने के लिए हमें फेसबुक पर लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और 24 घंटे समाचार के लिए विजिट करें www.lifetimes.tv।